अभी देखो हेयर प्रॉपरली सेट हो गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने हेयर सेट कर सकते हो विदाउट हेयर ड्रायर, विदाउट हेयर वैक्स एंड विदाउट हेयर स्प्रे। सो अभी आप देख रहे हो मेरे जो हेयर है ये भीगे हुए हैं और ये सेट भी नहीं है। सो अब इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने हेयर को कैसे सेट कर सकते हो विदाउट हेयर ड्रायर, हेयर वैक्स एंड हेयर स्प्रे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे आप नहाकर आते हो ठीक है, सो एक टॉवल लेना है ठीक है, या नॉर्मल कोई आप कपड़ा ले सकते हो। जैसे मैंने अभी एक टॉवल लिया ठीक है, अभी आप पहले बाल को अच्छे से अपने बालों को सुखा लो और ऐसे नॉर्मली करना ये है। ये नहीं मैं राक्षस की तरह ऐसे करके अपने बालों को सुखाने लगना। गाइस काफी लोग मैंने देखे हैं जो अपने बालों को काफी जोर से ऐसे ऐसे ड्राई करते हैं टॉवल से ठीक है, उससे आपके अपने हेयर डैमेज होने के चांस हो सकते हैं ठीक है। सो हमें ऐसा नहीं करना है, जड़ों वाले काम नहीं करने ठीक है। सो इसको हम नॉर्मली एक या दो मिनट ऐसे सुखाएंगे, ऐसे स्लोली 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 करना है। आप अपने बालों को चारों तरफ से सुखा लो ठीक है। ये एक दो मिनट आप ऐसे सुखा लो बाल। अब हमारे बालों में से पानी गायब हो गया ठीक है, बाल मैंने अच्छे से सुखा लिए हैं। फिर आप क्या करो, जिस तरफ आप अपने बाल रखते हो चाहे लेफ्ट की तरफ रखते हो चाहे यहाँ राइट की तरफ और या चाहे कोई ऊपर की तरफ रखते हो खड़े बाल ठीक है। सो आपने क्या करना, जैसे आप अपने बाल सुखा लोगे ये टॉवल के साथ, उसके बाद आप अपने हेयर अपोजिट साइड रखो। मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड रखते हो तो बाल सुखाने के बाद उसको आप राइट साइड की तरफ रखो ठीक है। ये ऐसे कोई आप 6 या 7 मिनट रखना ठीक है। सो मैं रख रहा हूँ राइट की तरफ क्योंकि बाल में ज्यादातर या ऊपर की तरफ रखता हूँ या लेफ्ट की तरफ। ओके अब मैं इसको रखता हूँ इसकी अपोजिट साइड। तो ये देखो ये मैंने राइट की तरफ रख लिया अपने बाल ठीक है। इसको कोई आप ऐसे 5 या 6 मिनट रखना ठीक है, या 6-7 मिनट रखना क्योंकि देखो बाद में आपको ये आप अगर इसको अपोजिट साइड रखते हो तो जब आप पूरे अपने सेट हेयर करते हो ठीक है, जिस साइड आप रखते हो तो आपको काफी अच्छी वॉल्यूम आती है और आपके हेयर काफी अच्छे से सेट होते हैं ठीक है। सो अभी हम 5-6 मिनट इसको ऐसे रहने देंगे, फिर लड़ो मैं आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। ये 5-6 मिनट मैंने इसको अपोजिट साइड पर रख दिया है। सो अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अगर आपके पास हेयर बैंड है ठीक है, ऐसा वाला या कोई भी हेयर बैंड है ठीक है, नॉर्मल जो भी होता है, आप उसको ना एक बार पूरे पीछे से रख लो, पीछे रखो बाल। और हाँ जब आप अपने बाल सुखा लेते हो ठीक है, नहाने के बाद जब बाल गीले होते हैं ठीक है, और जब आप अपने बाल सुखा लेते हो ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको पीछे नहीं रखना क्योंकि उससे बाल आपके डैमेज होने के काफी चांसेस होते हैं ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, पहले उसको अपोजिट साइड पर रखा मैंने, फिर उसके बाद उसको पूरे पीछे पे कर लेना ठीक है। पीछे करने के बाद आप उसको ये हेयर बैंड के साथ ऐसे सेट कर सकते हो। ये जैसे हेयर बैंड ये मैं सेट कर रहा हूँ, ये देखो डूड ये मैंने हेयर बैंड के साथ सेट कर दिया अपने हेयर ठीक है। सो अभी इसको हम नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 मिनट या 4 और 5 मिनट रहेंगे ठीक है। ये देखो आप इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है बालों में, बाल मेरे एकदम ड्राई हो गए हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी अच्छी वॉल्यूम आ जाएगी हेयर की। हो गया हमारा टाइम पीरियड जितने मैंने आपको कहा था 4-5 मिनट के बाद, इसको 4-5 मिनट तक रखते हैं। सो अभी देखो डूड जो हेयर की वॉल्यूम आएगी, आप ये देखना ये स्लोली स्लोली इसको उतारना है ये। अब देखो वॉल्यूम डूड, अब इसको मैं अपोजिट करता हूँ। गाइस वॉल्यूम देखो आप हेयर की, हेयर वॉल्यूम देखो इसकी हेयर की, वॉल्यूम बेबी। सो वॉल्यूम देखिए काफी अच्छी वॉल्यूम आई है हमारे हेयर की। आपको ये भी डाउट था कि आप हम कैसे अपने हेयर
सेट कर सकते हैं विदाउट हेयर ड्रायर, उससे हमारी कैसे अच्छी हेयर की वॉल्यूम आएगी। सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, ये देखो काफी अच्छी वॉल्यूम आई है। अब आप इसको जैसे मर्जी रख सकते हो, चाहे ये आप इस साइड रखो, चाहे ये आप ऊपर की तरफ रखो, और चाहे लेफ्ट की तरफ रखो, काफी स्टाइल बना सकते हो। सो अभी देखो वॉल्यूम तो आ ही गई है, बट बाल हमारे हेयर बिखरे हुए हैं, इधर उधर हुए हैं। अब इसको हम कैसे सेट करें, बिकॉज हमारे पास हेयर वैक्स है नहीं ना हेयर स्प्रे। सो उसके लिए वी हैव दिस, ठीक है, ऑयल। ठीक है गाइस, आपके पास कोई भी ऑयल हो, ठीक है, चाहे सरसों का ऑयल, चाहे किसी भी कंपनी का ऑयल हो, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। सो जो भी आपके पास ऑयल है, आप उस ऑयल को यूज करो, ऑयल इसको डालो, इसकी अच्छे से इसकी ड्रॉप डालो, थोड़े ऑयल डालना है, ये नहीं ज्यादा ऑयल डाल देना, सिर्फ इसकी 3 or 4 ड्रॉप्स डालनी है, पहले साइडों पे लगानी है, फिर अपने बालों पे अच्छे से लगा दो। सो अब ये देखो डूड हमारे, ये देखो डूड और हेयर हो प्रॉपरली सेट। अब आप कोई भी स्टाइल बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। देखो काफी कम टाइम में हमने अपने हेयर सेट कर दिया विदाउट हेयर ब्रश एंड हेयर ड्रायर एंड हेयर स्प्रे। सो डूड ये थी आज की वीडियो, हाउ टू सेट हेयर, हाउ टू सेट अवर हेयर विदाउट हेयर ड्रायर एंड हेयर वैक्स एंड हेयर स्प्रे इन वेरी अर्ली टाइम। सो डूड if you like my video then you know what I'm saying, what you do just subscribe my YouTube channel, and till then stay safe and stay cool in all time baby, see you in the next video baby.